बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस एक फिल्म को मिला था जिसका नाम था एनिमल। और संदीप रेड्डी वंगा के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं तो भाई उसको फुल क्रेडिट देता हूँ, फुल। हाँ, ऑब्वियसली रणबीर कपूर का, बॉबी देओल का क्रेडिट है, पर भाई देखो, एक सिंपल स्टोरी को थोड़ा सा इधर घुमाना उधर घुमाना, बहुत ही सिंपल वाली स्टोरी थी लॉजिकल देखा जाए तो। अगर आप कभी कभी एनिमल के स्टोरी वाइज अगर सोचने जाते हो ना, आप बोलते हो यार हमने क्या देखा था ये, इट वॉज़ लाइक लिटरली सिंपल। हाँ, अगर एंड छोड़ दे वो जो रणबीर कपूर वापस, मतलब जो उसका जो डुप्लीकेट दिखाया है वो अगर छोड़ दे, बाबरार के भाई का जो रोल दिखाया गया है कि वो प्लास्टिक सर्जरी बोलो जो भी था, वो बॉडी डबल, वो अगर एंगल छोड़ दे तो सिंपल सी स्टोरी लगती है, करेक्ट है। बाद में हम सोचते हैं कि यार एनिमल में वैसे क्या था। हाँ, पर जब एनिमल मूवी वापस देखने जाते हैं ना तो आपको बोर नहीं होता है कि भाई, क्योंकि जो शेड्स दिखाए गए थे ना रणबीर कपूर के, एक यंग वाला, वो उस कॉलेज में वो स्कूल में लेके जाना गन वाला, वो सीन पकड़ लो, अलग अलग उसके लुक्स थे। मैं तो कहूँगा 8-9 लुक्स थे अलग अलग उसके, हेयर स्टाइल्स एंड में अलग हेयर स्टाइल थी, थोड़ा बहुत बड़ा होने के बाद एंड में अलग हेयर स्टाइल, वो वाली अलग शुरुआत, तो मतलब ऐसे चार पांच तो कहीं नहीं गए, एक अलग अलग शेड। ऊपर से वो बॉबी देओल का इंट्रोडक्शन तगड़ा वाला, कुछ अलग ही थी एनिमल। बाद में हम सोचते हैं कि नहीं यार कुछ तो था, बाद में वो भाभी टू वाला एंगल, वो तो छोड़ ही दो, मतलब इट्स लाइक कि मज़ा आ गया था और एंटरटेनमेंट एक्शन से भरपूर फिल्म थी, मज़ा सच में। मूवी बहुत ही सिंपल सी होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ बहुत रिपीटेटिव देखा है, पर ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, ऐसी फिल्में आपने इससे पहले बहुत बार देखी है, बट जो एक मेकिंग का तरीका रहता है ना, वो संदीप रेड्डी का स्टाइल होता है। वैसे सच बोलूँ तो कबीर सिंह का भी स्टोरी अगर आप बोलोगे, वो एक गलत फहमी की वजह से क्या क्या हो जाता है, वो याद है ना आपको, मेन जो इतना सब कुछ जो रामायण महाभारत बनता है उस स्टोरी में जो चेंज होता है, वो एक गलत फहमी की वजह से हुआ रहता है। इट वॉज़ अ सिंपल स्टोरी, बट जिस तरीके से वो मेकिंग था, क्रेडिट जाता है भाई इसको। ओके, सो एनिमल टू की बात करें तो दोस्तों, ही सेड दैट, द डायरेक्टर सेड दैट ही विल स्टार्ट शूटिंग फॉर एनिमल टू इन 2026। रिमेंबर, ये फिल्म को लेके बहुत से लोग बोल रहे थे कि 2026 में आ रही है, मैं बोला था कि इतनी जल्दी रिपोर्ट्स पे मत जाओ। ही ऑल्सो सेड दैट एनिमल टू विल बी बिगर एंड वाइल्डर दैन पार्ट वन। नो डाउट हिम सेइंग इट मीन्स एनिमल टू विल बी फुल ड्रामा एंड वॉयलेंस, नो डाउट, ये तो बनने ही वाला है। बट ये है कि ये फिल्म नहीं आ रही है 26 में। अगर वो 26 में स्टार्ट कर रहे तो आई डोंट थिंक कि 40-50 दिन में शूटिंग करेंगे पूरा, 27 लगेगा, या फिर हो सकता है कि टारगेट होगा 2026 के शुरुआत में शुरू करे जो कि उन्होंने बोला है, और शायद क्रिसमस रिलीज़ रख दे भाई, सेपरेट रिलीज़ मिल जाएगा तगड़ा वाला, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि भाई एनिमल भी तो दिसंबर में आई थी ना आई थिंक पार्ट वन, या 1 दिसंबर भी रख सकते हैं यार ये तो, वापस देखते हैं क्या होता है। हाँ, साल के एंड में हो सकता है 26 में आए भाई, अब मज़ा आएगा भाई, तहलका मचेगा।